नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे बलेनो के दो वेरिएंट के बारे में। बलेनो मारुति का एक काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट है और काफ़ी ज़्यादा सेल आउट होता है, लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ आता है कि आपको बेस वेरिएंट लेना चाहिए या फिर डेल्टा वेरिएंट लेना चाहिए, क्योंकि जो प्राइस डिफरेंस है ना वो उतना ज़्यादा भी नहीं है और जो फीचर डिफरेंस है वो भी उतना ज़्यादा जो है वो आपको नहीं मिलेगा। तो आज के इस वीडियो को देख के आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा, क्या क्या जो है वो फीचर डिफरेंस रहेंगे, क्या आप सिग्मा वेरिएंट में आफ्टर मार्केट वो काम करवा सकते हो मारुति जेन्युइन पार्ट्स के साथ। सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में कवर हो जाएगी और वो आपको कितने रुपए में जो है वो पड़ेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की चाबी की। दोनों ही वेरिएंट में आपको रिमोट की मिल जाती है, सेंट्रल लॉकिंग के फीचर्स जो है वो आपको दोनों वेरिएंट में ऑफर किए जाते हैं। दूसरा जो आपको डिफरेंस सामने की तरफ मिलेगा वो मिलेगा गाड़ी की फ्रंट ग्रिल में। यहाँ पे डेल्टा वेरिएंट में आपको क्रोम की जो है वो ग्रिल मिलती है, लेकिन जब आप बेस वेरिएंट देखते हो तो आपको प्रॉपर ब्लैक कलर की ग्रिल मिलती है। आफ्टर मार्केट आप इसको चेंज करवा सकते हो, आप इसको एक्सेसरी के तौर पर एजेंसी से भी ले सकते हो। लगभग आपको 2000-1000 रुपये की जो है वो ये ग्रिल पड़ने वाली है। बाकी लाइटें दोनों ही वेरिएंट्स में सेम है, फॉग लैंप दोनों ही वेरिएंट्स में नहीं आते। जब आप साइड पे चलोगे गाड़ी के तो साइड में आपको एक और डिफरेंस दिखेगा जो कि आपको मिलेगा गाड़ी के टायर्स पे। बेस वेरिएंट के रिम आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सिल्वर कलर के रिम्स मिलेंगे। टायर का जो साइज है वो 185/65 R15 का मिलेगा, लेकिन जब आप डेल्टा वेरिएंट को देखोगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक रिम मिलने वाले, साथ ही आपको व्हील कैप भी जो है वो डेल्टा वेरिएंट में मिल जाएगी। व्हील कैप लगभग आपको 2200 रुपये के आसपास जो है वो कॉस्ट करेंगे, तो वो भी आप कंपनी से ले सकते हो। तीसरा और मेजर डिफरेंस आपको मिलेगा गाड़ी के ORVs पे। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल वाले ORVs नहीं मिलते, साथ ही आपको ये बॉडी कलर ORVs भी नहीं मिलते। इंडिकेटर आपको मिलते हैं फेंडर पे, लेकिन डेल्टा वेरिएंट में आपको बॉडी कलर ORVs मिलते हैं, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के फीचर के साथ मिलते हैं, और फेंडर पे भी आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं मिलते। और हैंडल्स आप देखोगे तो ये भी आपको ब्लैक कलर के मिलने वाले हैं बेस वेरिएंट में, डेल्टा वेरिएंट में ये बॉडी कलर मिलने वाले हैं। अब आप ORVs को चेंज करवाने जाओगे तो आपको लगभग 10-12000 रुपये तक जो है वो कॉस्ट करेंगे ORVs आपके इस पे। और डोर हैंडल्स को अगर आप पेंट वगैरह करवाते हो तो आपको 400-500 रुपये की कॉस्टिंग आएगी, लेकिन एक और एडिशनल आपको वो मिल जाता है अल्टरनेट की, इस पे क्रोम की जो है वो आप वो लगा सकते हो। कंपनी से आपको लगभग 1200-1300 रुपये जो है वो क्रोम के डोर हैंडल्स कॉस्ट करते हैं। डेल्टा और जेटा में प्राइस का कितना डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊं तो ये गाड़ी आपको एक्स शोरूम पड़ जाएगी लगभग 661000 रुपये की, और डेल्टा आपको एक शोरूम पड़ जाएगी 745000 रुपये की। तो मोटा मोटा आपको 84-85000 रुपये का डिफरेंस मिलेगा दोनों की प्राइसिंग में। और जो मैं आपको पार्ट्स के रेट बता रहा हूँ उनको कैलकुलेट करके भी लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप कितना पैसा बचा सकते हो अगर सिग्मा लेते हो तो, या फिर आपको डेल्टा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी पड़ेगी। पीछे बात करें तो गाड़ी में दोनों में ही जो है 37 लीटर का फ्यूल टैंक आता है, लेकिन एक मेजर चीज़ जो है और मिसिंग आती है अपने बेस वेरिएंट में। यहाँ पे आपको CNG ऑफर नहीं करती कंपनी, डेल्टा वेरिएंट में आपको CNG ऑफर करती है, और साथ ही अगर आपको AMT चाहिए तो वो भी आपको सिग्मा वेरिएंट में ऑफर नहीं करती कंपनी। तो दो चीज़ें अगर आपको चाहिए तो डेल्टा वेरिएंट आपको लेना ही पड़ेगा। डिफोगर आप देखोगे तो दोनों ही वेरिएंट्स में जो है आपको डिफोगर मिलते हैं, पीछे बाकी और कोई भी चेंज आपको नहीं मिलता। कोई भी बैक कैमरा आपको डेल्टा में नहीं मिलता, सिग्मा में तो मिलता ही नहीं है, और पार्किंग सेंसर्स वगैरह आपको 4 मिलते हैं। सेफ्टी फीचर्स जितने भी हैं वो सारे स्टैंडर्ड है, उनमें कोई चेंज नहीं है। ABS, EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सब चीज़ें जो है वो आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाएगी, और साथ ही आपको 2 एयरबैग दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। ऊपर अपने पास जो है वो नॉर्मल एंटीना आता है, दोनों वेरिएंट्स में अपने को शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता। अब चलिए अंदर चलते हैं और अंदर चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मिलती है। एक और जो पीछे बूट में आपको डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा आपको पार्सल ट्रे का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच जो है वो आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलता है। ये देखो यहाँ पर पार्सल ट्रे आपको नहीं मिल रही, जो सीट है वो 60-40 के रेशियो में स्प्लिट होती है। तीनों ही हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल आते हैं, और तीनों ही सीट बेल्ट जो है वो भी अपने को 3-pointer मिलती है। कोई भी बूट लैंप वगैरह नहीं आता सिग्मा वेरिएंट में, डेल्टा में भी आपको कोई बूट लैंप नहीं मिलता। और पीछे आप स्पेयर व्हील देखोगे तो जो गाड़ी के टायर का साइज है वही साइज का आपको स्पेयर व्हील मिलता है दोनों ही वेरिएंट में। ये आपको टॉप वेरिएंट तक जो है वो बिल्कुल ही सेम देखने वाला है। अब देखो डेल्टा वेरिएंट में एक और जो है वो डिफरेंस है कि जब आप इसको लॉक अनलॉक करते हो तो ये गाड़ी साउंड करती है, जबकि बेस वेरिएंट जो है वो आपका साउंड नहीं करता। देखिए बूट लैंप यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन पार्सल ट्रे जो है वो आ जाती है। पार्सल ट्रे कंपनी से आपको लगभग 1000 रुपये जो है कॉस्ट करती है। व्हील कैप्स गाड़ी में रखे हुए हैं, लगभग 2200 रुपये की कॉस्ट करते हैं इसके व्हील कैप भी। व्हील कैप काफ़ी महंगे हैं बलेनो के, क्योंकि इसमें ना वो नट वाली शेप वाले जो है वो व्हील कैप आते हैं, तो वो है। यहाँ पे आप देखोगे तो फैब्रिक की जो है आपको टच मिल जाएगी, आपको पावर विंडो सारी की सारी मिलती है। स्पीकर्स आपको डेल्टा वेरिएंट में 4 के 4 मिलते हैं, और ये तो मैंने बता दिया आपको 3-pointer सीट बेल्ट वगैरह। कोई भी आर्मरेस्ट जो है वो ऑफर नहीं किया जाता, पीछे कोई भी AC वेंट्स नहीं है। एक 12 वोल्ट का सॉकेट जो है हालांकि आपको ज़रूर मिल जाता है। एक कैबिन लैंप यहाँ पे है, और सामने की तरफ भी आपको कैबिन लैंप जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब चलिए एक बार आपको
बेस वेरिएंट की रियर सीट मैं आपको दिखा देता हूँ और बेस वेरिएंट के फीचर दिखाता हूँ, फिर अपन डेल्टा वेरिएंट पे आएंगे और क्या क्या जो है कॉस्ट करता है वो बताएंगे। यहाँ पे भी आप देखोगे तो सेम ही है, ये आपका जो है फैब्रिक होने वाला है। पावर विंडो यहाँ पे मिलती है, कोई स्पीकर नहीं मिलता। स्पीकर आपका एक कॉस्ट करता है लगभग 500-550 के आसपास, ठीक है। बाकी एसी वेंट यहाँ पे भी नहीं है, 12 वोल्ट का सॉकेट है और ऊपर एक कैबिन लैंप है। सामने वाले कैबिन लैंप नहीं है, उनकी बात करेंगे आगे चल के। अभी सिग्मा वेरिएंट में फीचर्स देखे अपन, तो यहाँ पे आपके ओआरएम्स की कंट्रोल जो है वो मिसिंग है क्योंकि इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं आता। ये मैंने बता दिया आपको, कंपनी के ही लग जाएंगे, बिल्कुल ओरिजिनल वाले हैं ना। जो आपके टॉप मॉडल में आते हैं वो आपको कॉस्ट करेंगे 10-12 हज़ार रुपये, साथ ही फोल्ड भी हो जाएंगे आपके और पूरा जो है वो मारुति का आपको जेन्युइन पार्ट्स जो है वो लग जाएंगे। बाकी पावर विंडोज़ के कंट्रोल आते हैं, सेम ही आते हैं। यहाँ पे स्पीकर मैंने बताया आपको वो नहीं मिलते। इधर हल्का सा स्पेस है हुड खोलने के लिए, फ्यूल टैंक खोलने के लिए। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आपको आता है और आपका ये आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन आता है, ये आपको डेल्टा में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हेडलैम्प लेवलर आता है। अब आती है जी बात इंटीरियर की, तो स्टेयरिंग पे पहले तो स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं आते, डी कट स्टेयरिंग आता है, कोई भी रैपिंग नहीं आती। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट अगर आप देखोगे तो स्टेयरिंग आपका टिल्ट के हिसाब से एडजस्ट होता है। तो जी ये आती है कुछ ऐसी MID। अब टॉप मॉडल्स की जो है वो MID अलग है, थोड़ी कलरफुल सी MID आती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बेसिक MID आती है। टैकोमीटर, स्पीडोमीटर बीच में दिखा देगा आपको, फ्यूल वगैरह की इन्फॉर्मेशन, कोई भी TPMS वगैरह का फीचर जो है वो बलेनो में नहीं आता। ऊपर आपको पूरा हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, कोई भी फैब्रिक जो है वो पूरे डैशबोर्ड पे नहीं है। हाँ, ड्यूल टोन टाइप का जो है वो डैशबोर्ड आपको मिलता है और डेल्टा वेरिएंट में भी आपको सेम ही मिलेगा। अब जो मेजर मिसिंग चीज़ है वो है जी म्यूजिक सिस्टम, यहाँ पे नहीं आता आपका। म्यूजिक सिस्टम कितना कॉस्ट करेगा डेल्टा वाला वो आपको वहाँ पे चल के बताऊंगा। ऑटोमेटिक एसी जो है दोनों वेरिएंट्स में आता है, नीचे एक 12 वोल्ट का सॉकेट है। USB पॉइंट यहाँ पे नहीं आता क्योंकि म्यूजिक सिस्टम नहीं आता। यहाँ पे अपने को थोड़ा सा स्पेस मिलता है, कप होल्डर्स जो है वो मिलते हैं। ये गियर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर ब्लैक कलर का है, क्रोम वाली जो है वो फिनिश नहीं है, वो ग्लोसी ब्लैक कलर नहीं है। तो ये भी आपको लगभग 500 रुपये के आसपास कॉस्ट करेगा, ये आपका चेंज हो जाएगा। मारुति जेन्युइन पार्ट्स बता रहा हूँ मैं आपको, सारे के सारे जितने भी पार्ट्स मैं आपको बताऊँगा मारुति जेन्युइन पार्ट्स है और यही है। मैक्सिमम जो है वो इतने ही रुपये कॉस्ट करेंगे, इससे ज़्यादा आपको कॉस्ट नहीं करेंगे, आप कहीं से भी इनको चेंज करवाओ। हैंड ब्रेक है यहाँ पे, देन अपने पास यहाँ पे हल्का फुल्का स्पेस जो है वो मिलता है। ग्लोब बॉक्स में कोई भी लाइट नहीं है, कोई भी कूल ग्लोब बॉक्स का फीचर जो है वो आपको नहीं मिलता किसी भी वेरिएंट में। IRVM जो है वो आपका मैनुअल आता है और यहाँ पे आपका कुछ नहीं आता, इस तरफ आपका कुछ भी नहीं आता। तो ये है जी बेसिक वेरिएंट। अब चलते हैं डेल्टा वेरिएंट में, ठीक है। अभी तक मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सब के सब जो है वो मारुति जेन्युइन पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं और काफ़ी ईजिली जो है वो चेंज हो जाते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत जो है वो आपको नहीं आएगी। अब देखिए डेल्टा वेरिएंट्स में आते के साथ सबसे पहली चीज़ जो आपको देखने के लिए मिलेगी वो है इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और साथ ही फोल्ड का एक फीचर, ठीक है। अब ये फोल्ड चाबी से तो नहीं होता, लेकिन आप जो है बटन की मदद से इसको फोल्ड कर सकते हो। जो आपका ड्राइवर साइड वाला डोर है वो ऑटो डाउन एंड ऑटो अप दोनों फीचर के साथ आता है। मारुति ने बलेनो में भाई दबा के फीचर दे रखे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ी। इनकी ब्रेजा के बेस वेरिएंट में फीचर कम है, लेकिन बलेनो के बेस वेरिएंट में खूब दबा के फीचर है। अब देखो क्या क्या चीज़ें चेंज हो गई जी। स्टेयरिंग पे आपके स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स यहाँ पे आ गए, साथ ही आपको फ़ोन कनेक्शन के कंट्रोल आ गए। अब स्टेयरिंग का ऐसा हिसाब है कि आपका स्टेयरिंग इजीली चेंज हो जाएगा। अगर आप ये वाला स्टेयरिंग लेते हो तो आपको 4,000 से 4,500 रुपये कॉस्ट करेगा। अगर आप टॉप मॉडल वाला स्टेयरिंग लेते हो जिसमें स्टेयरिंग रैप भी आ जाएगा, क्रूज कंट्रोल भी आ जाएंगे, हाँ लेकिन काम नहीं करेंगे क्रूज कंट्रोल, तो वो आपको 6,000 रुपये तक जो है वो कॉस्ट करेगा। तो ये है स्टेयरिंग की एडजस्टमेंट देखे तो वही टिल्ट के हिसाब से ये एडजस्ट होता है, कोई भी टेलीस्कोपिक यहाँ पे भी नहीं आता। वाइपर हेडलैम्प दोनों सेम है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प वाइपर के फीचर नहीं आते और MID भी बिल्कुल आपकी एग्जैक्ट सेम मिलेगी। डैशबोर्ड पे भी कोई भी चेंजेस नहीं है, यानी कि कोई भी सॉफ्ट टच यहाँ पे नहीं है, कोई भी कलर स्कीम का चेंज नहीं है। जो चेंज है वो है जी यहाँ, ये जो रहा आपका म्यूजिक सिस्टम, इसकी कॉस्ट आफ्टर मार्केट आपको आएगी लगभग 15,000 से 20,000 रुपये, ठीक है। ये आपको 15,000-20,000 रुपये कॉस्ट करेगा। ये मान लो कि आप 20,000 में आपके 4 स्पीकर हो गए, आपका म्यूजिक सिस्टम हो गया, लग के आ जाएगा प्रॉपर ये जेन्युइन वाला, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप एंड्रॉयड वगैरह एंड्रॉयड की तरफ जाना चाहते हो तो एंड्रॉयड की तरफ भी आप जा सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। ऑटोमेटिक एसी आता है, ये मैंने बताया। ये जो है आपका USB, ये भी वो 20,000 रुपये में इंक्लूड हो गया, लगभग 1,250 रुपये के आसपास जो है वो USB केबल ये कॉस्ट करती है जो आपके यहाँ पे कनेक्ट होगी। ये जो है आपका मैंने बता दिया 500 रुपये कॉस्ट करता है। गियर नोब पे हल्की सी ये क्रोम की टिप है, अब इसकी कॉस्टिंग सच बताऊँ तो मुझे नहीं पता, ये आप देख लेना कहीं से। बाकी तो और कोई चेंजेस नहीं है। ऊपर वही अपने को नॉर्मल IRVM मिलता है। ये जो है आपके लाइट्स,
ये भी आप चेंज करवा सकते हो, ये भी आपको 1000-1200 रुपये के आसपास जो है वो कॉस्ट करेगी। वैनिटी मिरर आ जाता है, ये भी आपका चेंज हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपने को कुछ नहीं आता। तो जी पूरी बलेनो में सिग्मा को अगर आप डेल्टा बनाते हो तो आपको चीज़ें तो काफ़ी चेंज करनी पड़ेगी, पर ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आपकी चेंज नहीं होगी या ये चीज़ थोड़ी सी जो है वो भाई मुश्किल हो जाएगी, चेंज नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप कंप्लीट जो है वो चेंज कर सकते हो। अब बात आती है प्राइसिंग की, कितने प्राइस में जो है वो आपकी सिग्मा टू डेल्टा हो जाएगी कंप्लीट। अगर मैं आपको बताऊं तो अभी मोटा मोटा मैं आपको जोड़ के बताऊं सारी चीज़ें, तो लगभग लगभग आपका खर्चा आएगा जी 40,000 से 45,000 रुपये अगर आप कंप्लीट जो है वो सिग्मा टू डेल्टा कन्वर्ट करवाते हो। आप कुछ एक चीज़ अगर छोड़ना चाहते हो कि भाई ये चीज़ मेरी ज़रूरत की नहीं है, जैसे कि गियर नोब आप छोड़ दोगे या कुछ और चीज़ छोड़ दोगे, तो आपको कम कॉस्ट करेगी, ठीक है। तो वो हिसाब है, डेल्टा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, उसका भी जवाब है हाँ वैल्यू फॉर मनी है। जिनको काम करवाना नहीं है, जिनको फालतू फंड की जो है टेंशन नहीं चाहिए, वो डेल्टा वेरिएंट इजीली जो है वो कंसीडर कर सकता है, क्योंकि 84-85,000 रुपये कॉस्ट करता है। और सारी चीज़ें जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें आपकी इंश्योरेंस में कवर रहेगी। अब मान लो आपने सिग्मा में ग्रिल सामने की तरफ चेंज करवा ली और आपकी गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट हो जाती है, तो उसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी, आपकी जो सिग्मा की ग्रिल है वही ग्रिल लग के आएगी। ऐसे ही सेम आपका ORVM टूट जाता है तो वो भी आपका इंश्योरेंस में क्लेम नहीं होगा, तो वो एक डीमेरिट आता है, ठीक है, सिग्मा के साथ अगर आप अपडेट करवाते हो। लेकिन अगर आप डेल्टा लेते हो तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट इंश्योरेंस में कवर होगी, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो जी पैसा आपका बचेगा लगभग 40,000 रुपये, ठीक है, और आपको थोड़ी सी टेंशन भी लेनी पड़ेगी। तो अगर आप ये चीज़ कर सकते हो तो बिल्कुल आपको जो है वो सिग्मा वेरिएंट ले लेना चाहिए और उसमें अपडेट करवानी चाहिए, वो भी वैल्यू फॉर मनी है काफ़ी। और अगर आपको नो टेंशन होके गाड़ी चाहिए तो आप डेल्टा वेरिएंट जो है वो कंसिडर कर सकते हो। मैंने आपको दोनों चीज़ें जो है वो बता दी है कि कितनी कॉस्ट करेगी, क्या क्या कॉस्ट करेगी, मारुति के जेन्युइन पार्ट लग जाएंगे नहीं लग जाएंगे, सब कुछ जो है इस वीडियो में कवर कर दिया है। बाकी तो भैया आपको CNG चाहिए या फिर आपको AMT चाहिए तो फिर तो डेल्टा ही आपके पास ऑप्शन है। मारुति समझदार है भाई, सिग्मा में CNG देते हैं ना तो सबसे ज़्यादा जो है वो सिग्मा सेल होती, लेकिन मारुति ने इसी वजह से बलेनो के भी डेल्टा में आपको CNG दी और आपको फिर ग्रैंड विटारा के डेल्टा में भी CNG दी, क्योंकि इनके बेस वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है। तो ये हिसाब है। बाकी आप हमें बताइए भाई कमेंट्स में कि आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगी, यानी कि आपको ये डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है या फिर आप सिग्मा वेरिएंट लेके मॉडिफिकेशन करवाना ज़्यादा पसंद करोगे। तो जी ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी बलेनो ले रहा है उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।